कंजम्पशन किसी भी प्रकार की हो, इसके पीछे कुछ तो सफरिंग है, तो कंजम्पशन माइंडफुल रखें। और वीगनिज्म अहिंसा की एक मैनिफेस्टेशन है, जो कि अहिंसा तो भारतीय विचारधारा का मूल है। हिंदुस्तान में अभी भी लगभग 30% लोग शाकाहारी हैं, अगर उनको भी मिला दें जो कि बहुत कम मांस खाते हैं या कभी कभार बस अंडा वगैरह खा लेते हैं, तो ये संख्या, ये अनुपात 40% तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में वीगन कितने हैं? 1% भी नहीं। तो ये लोग क्या समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वीगनिज्म हिंदुस्तान में जड़ें क्यों नहीं जमा पा रहा? इसलिए नहीं जमा पा रहा है क्योंकि आप मिट्टी की भाषा में बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तानी आदमी कुछ भी कह ले, वो अपने आप को नास्तिक भी कह ले, तो भी यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में अध्यात्म है। आप उसको गहराई से अहिंसा समझाएंगे वो समझ जाएगा, और आप उससे इधर उधर की इम्पोर्टेड भाषा में बात करेंगे तो उसको नहीं समझ पाने वाला, ना वो मानेगा। और मेरे लिए ये जो पूरा मुद्दा है वो आपकी पूरी ज़िंदगी का है, सिर्फ जानवर से आपके रिश्ते का नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी का है। अगर आप एक जानवर का शोषण कर सकते हो तो मैं बार बार समझाता हूँ कि फिर आप अपने घर वालों का भी शोषण करोगे, अपने दोस्तों का भी शोषण करोगे, आप पूरी दुनिया का शोषण करोगे। अगर मैं ऐसा हूँ कि मैं पूरी दुनिया को देखता इसी हिसाब से हूँ कि कहाँ कोई मिल जाए लूटने के लिए, ठीक है ना, मुझे कोई औरत दिखेगी मैं उसका बलात्कार कर दूंगा, मुझे कोई पेड़ दिखेगा मैं उसको काट दूंगा, वहाँ पे कहूँगा मैं अपने लिए कोई और बना रहा हूँ, उसकी लकड़ी चाहिए मुझे। मुझे कोई भी मिलेगा मैं करूँगा उसका शोषण ही अपने मुनाफे और अपने मज़े के लिए। फिर ऐसे में मुझे बेचारा एक बेजुबान जानवर मिल जाता है तो मैं कहता हूँ मुझे अब इससे भी जो कुछ भी मैं निकाल सकता हूँ ये सब कुछ निकालना है। जंगल से हम शारीरिक तौर पर निकल गए, मानसिक तौर पर अभी जंगल से निकलने के लिए हमें बहुत लंबी यात्रा करनी बाकी है। चूँकि अभी वो यात्रा बाकी है इसीलिए उस तरह के सारे हमको कुकृत्य देखने पड़ रहे हैं जो अभी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जब तक इंसान की वो वृत्ति हम नहीं हटाएंगे तब तक कितना भी हम शोर मचाते रहें वीगनिज्म का सफल नहीं होने वाला।